so hi and and welcome to to this this another episode with me Aishu, and in this video I'm going to talk about उट रांची राइट झारखंड में एक कॉलेज है एंड uh, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स से मैंने बात की उनका ये कहना था 80% परसेंट स्टूडेंट झारखंड और उसके आसपास की जगह के हैं मेजोरिटी ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के हैं एंड देन 20% परसेंट जो है वो बाहर के स्टूडेंट्स हैं जो इस कॉलेज में पढ़ते हैं अब कई सारी जगह हमने सुना है कॉलेज के लिए काफी काफी पुराना कॉलेज है फॉर sure, पर कैसा ऑप्शन है वो हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है सो अनफिल्टर्ड जेन्युइन वीडियो जहां पे आपको पॉजिटिव भी मिलेंगे नेगेटिव भी मिलेंगे बिकॉज अगेन इट्स नॉट अ टी एम कॉलेज तो पूरा वीडियो जरूर देखना बाकी I hope you guys are doing good because I am doing absolutely super, superb se upper, right? So talking about this Rachi which is Xavier Institute of Social Service Rachi. So ये एक missionary college है पहली चीज, right? Tribal को preference देता है ये दूसरी चीज and तीसरी important चीज is 1955 का establish है college. आप सोच रहे होंगे content पीछे हैं मैं यहाँ सामने क्या देख रही हूँ? This is as per the conversation what pointers I have made for myself. तो ये काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं दैट इज या 1955 का स्टैब्लिश कॉलेज है एंड इन्होंने स्टार्ट किया था रूलर मैनेजमेंट से यस yes. तो ये इंडिया का पहला कॉलेज है जो रूरल मैनेजमेंट में एम बी कराता था राइट देन उसके बाद पर्सनल मैनेजमेंट मतलब जो एच है पहले एच पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से चलता था वो उन्होंने 1973 में स्टार्ट किया देन 1995 से मार्केटिंग फिनेंस आई टी अब बंद हो चुका है ये सारे कोर्सेज जो हैं वो उन्होंने कहीं ना कहीं नाइनटीन से स्टार्ट किए ठीक है तो दैट इज़ कि 1955 से रूलर चल रहा है देन अगर हम 1973 से बात करें तो एच जिसको ये पर्सनल मैनेजमेंट कहते थे अब ये एच के नाम से जाना जाता है एंड देन उसके बाद अगर हम बात करें नाइनटीन प्रेजेंट साइड ओवर द ईयर्स एंड 1995 से उन्होंने दूसरी स्पेशलाइजेशन विच इंक्लूड मार्केटिंग फिनेंस

राइट अगर आप एचआर में बात करोगे तो 60 से ऊपर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है फाइनेंस में 35 से ऊपर वाला बच्चा अप्लाई कर सकता है तो इट्स ओवरऑल प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन एस सच कट ऑफ को उतना वेटेज नहीं है जिन स्टूडेंट से मैंने बात की वो रूलर मैनेजमेंट में था एक एच में थी तो उसका कहना है कि एचआर और रूलर मैनेजमेंट के लिए यूनोन है वो हम प्लेसमेंट्स के टाइम पे भी थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे बट ओवरऑल सिलेक्शन है तो एचआर कराता है एराम आर कराता है मार्केटिंग कराता है एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले आई कराता था बट आई अब नहीं है राइट मेन सिटी में ये कॉलेज है में नहीं है एंड बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है बट यू हैव ऑल दी फैसिलिटीज विच इज बीइंग रिक्वायर्ड राइट तो आई थिंक मैंने इनटेक का नहीं पूछा है स्टूडेंट्स से तो मेरी स्लाइड में है या नहीं इस इनटेक का मैंने पूछा है रूरल मैनेजमेंट और एचआर में 75 75 सीट्स हैं और मार्केटिंग एंड फाइनेंस में जो है वो 50 50 सीट्स हैं तो इनटेक बहुत ज़्यादा नहीं है कॉलेज का तो ये नंबर ऑफ सीट्स हो गई अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर की तो 8.9 लाख फीस स्ट्रक्चर है और एज पर स्टूडेंट उसने मुझे नाइन अभी का फी स्ट्रक्चर बताया है हॉस्टल अलग से है वो रांची मतलब जितने बच्चों से मैंने बात की वो ज़्यादातर रांची के ही थे तो उन आ, उनका तो यू you नो know, रहने का खर्चा नहीं है बट जो स्टूडेंट बाहर के थे उनको टेन थाउजेंड मंथली पड़ता है तो अगर हम बारह महीने का ले लो तो एक लाख बीस हजार का वो इन्वेस्टमेंट मतलब तीन लाख वो और नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड दैट मीनस सारे बारह तेरह लाख का इन्वेस्टमेंट है इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस स्पेसिफिक कॉलेज दैट इज कॉल्ड जसराची तो जसरा लाख का इन्वेस्टमेंट है व्हेन इट कम्स टू द फी स्ट्रक्चर तो क्या का रखा है जैट लिख रखा है 70 लिख रखा है तो ओवरऑल अगेन प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है दैट इज समथिंग वट यू नीड टू चेक एडमिशन वेटेज में एंट्रेंस को फोर्टी पास अकेडमिक ट्वेंटी ग्रुप डिस्कशन टेन एंड पर्सनल इंटरव्यू थर्टी हंड्रेड सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस एचआर का रहता है बिकॉज इनका एचआर के प्लेसमेंट थोड़े से ज्यादा है उसके हाइएस्ट पे आएंगे कॉलेज की वेबसाइट पे 2022 के प्लेसमेंट्स मेंशन मैं बट मैंने ज्यादातर जितने बच्चों से इंटरेक्ट किया दे वर टॉकिंग अबाउट 2023 प्लेसमेंट्स जो कि अभी चल रहे हैं कंप्लीट नहीं हुए उनका सेकंड फेज चल रहा है दैट इज द रीजन यू नो हो सकता है कि जो अभी हो उतने क्लियर ना हो तो ये उन्होंने 2022 का वेबसाइट पर डाल रखा है 20 लाख एवरेज पैकेज एंड सेवन लाख नाइन थाउजेंड का एवरेज पैकेज जिन स्टूडेंट से मैंने बात की जैसे उसने मुझे बताया एचआर का हाईएस्ट गया है इस साल का 23 का इफ आई एम नॉट रॉन्ग इक्कीस लाख का विच इज टू टाटा स्टील एवरेज पैकेज एच आर का तो स्टूडेंट ज्यादा बता रहा था जो मुझे लगा बट यू नो वैसे स्टूडेंट का कहना था सात आठ लाख के आसपास का एवरेज पैकेज है कॉलेज का राइट right? जिसमें फाइनेंस का हाईएस्ट सेवनटीन लाख का है आदित्य बिरला कैपिटल रूलर का हाईएस्ट जो है वो थर्टीन लाख का है टाटा पावर में गया है उसके अलावा मैंने सी आई थिंक आपको बता दी है और ऑल एंड ऑल मिक्स कंपनीज आती हैं सबसे ज्यादा कंपनीज एच के लिए आती हैं एज पर स्टूडेंट देन रूलर के लिए आती हैं एंड देन बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए आती हैं तो अगर आप एच देख रहे हो तो आप चाहो तो आप इसको रख सकते हैं बिकॉज कम परसेंट टाइम में एक बेसेंट ऑप्शन है जो आपको मिल रहा है और अगर आप बाकी स्पेशलाइजेशन के लिए देख रहे हो क्योंकि थोड़ी सी डाइवर्सिटी 80 परसेंट स्टूडेंट जो है झारखंड के आसपास के हैं मैंने उससे पूछा कि ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो उसका ये कहना था कॉलेज अच्छा है अमन अनडाउटेडली बट कंसर्न है कि आपकी लिस्ट में कौन से कॉलेजेस है क्योंकि अगर आप देखोगे ट्राइब मिशनरी uh, कॉलेज है ट्राइबल्स को प्रेफरेंस ज़्यादा भी देता है ये बच्चा ज्यादातर ट्राइबल के बच्चे आते भी हैं और एट्टी परसेंट जो है वहीं के बच्चे हैं ट्वेंटी परसेंट जो है वो आउटसाइड स्टूडेंट्स से उसका रीजन ये भी हो सकता है क्योंकि इनटेक भी कम है तो आपको उस बेसिस पे देखना है कि लिस्ट में कौन से कॉलेजेस है बट अगर आपका ये है कि नहीं मैं झारखंड का हूँ और मैं जिस रांची में जाना चाहता हूँ तो मैंने कुछ मतलब तो मैंने से चार बच्चों से बात की तो चार में से यू नो एक दो का कहना था कि आपको देखना है जो दो बच्चे थे देशक के अच्छा कॉलेज है आप कंटिन्यू कर सकते हैं बट स्टिल मैं यही सजेस्ट करूँ क्योंकि मेरी वीडियोस के बेसिस पे हो सकता है आप डिसीजन लो कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए तो आपको बच्चों से खुद भी बात करनी चाहिए लिंक पे, आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करें तेरह लाख का लक्ष्य अगर आप यू नो नॉर्थ के हैं आप झारखंड जा रहे हैं या फिर आप यू नो साउथ के आप कहीं के भी हैं तो आप

like share and subscribe